हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के, और पाइथन की शेल पर आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ये तो आपको दिखेगा ही टू इज नॉट, अब ये इज नॉट इक्वल टू है, जैसे यहाँ पे लिखा टू और फिर ये इज नॉट इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पर टू इज नॉट इक्वल टू फोर, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि टू जो है फोर के बराबर तो नहीं है। ट्रू कभी भी जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका भी ट्रू ही आएगा। लेकिन यही चीज 5 इज लेस देन 2 कर देंगे, ठीक है, 5 इज लेस देन 2, तो ये फॉल्स में आंसर इवेल्युएट करेगा। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा करके देख सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 प्लस 5 कॉमा फिर यहाँ लिखा है 6 प्लस 6, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए 5 प्लस 2 का आंसर 7 आ जाएगा, और 6 प्लस 6 का, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये शेल पे ही पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है 4 कॉमा, यहाँ पे 2 लिखा है फिर दो बार स्टार लगा हुआ है, तो दो बार स्टार का मतलब कि ये स्क्वायर को बता रहा है, ये पावर बता रहा है, यानी 2 पे पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और 4 का 4 तो रही जाएगा, तो 4 कॉमा 4 आएगा आंसर। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और पैरामीटर, ये कैट हो गया, और कैट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इज लेस देन, अब यहाँ पे देखिए इज लेस देन डॉग कर रहा हूँ, कैट इज लेस देन डॉग, तो यहाँ पर अभी इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा आप समझ सकते हैं। इसको देखने के लिए यहाँ पे एंटर जैसे ही करता हूँ, तो यहाँ पे ये इस तरीके का, ये इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। अब उल्टा मैं करता हूँ यहाँ पे डॉग, अब देखिए पहले तो कैट लिखा था, अब यहाँ पे डॉग ये इस तरीके से कर देता हूँ, और यहाँ पे कैट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉल्स में आएगा आंसर, ये ऑटोमेटिक ये इस तरीके से दे देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, ठीक है।